नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। यहां पे जैसा कि आपने टाइटल देख लिया, सॉयल पोल्यूशन के बारे में बात करूंगा मैं। फ्रेंड्स, सॉयल पोल्यूशन क्या है, इससे पहले मैं एयर पोल्यूशन डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, वाटर पोल्यूशन डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट को देखिए। शुरू करने से फ्रेंड्स ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हिंदी में है। इससे पहले अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन का लिंक नीचे दे रखा है, और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक नीचे दिया है। आप फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब सॉयल पॉल्यूशन क्या है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सॉयल क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ की सरफेस है उस पे आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर होती है। देखिए, अर्थ रॉकी है, ठीक है ना, खूब सारी चट्टाने पत्थर है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर से वो पत्थर डिकम्पोज हुए हैं बहुत सारे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से। तो आज की डेट में हमारी अर्थ की रॉकी सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलके एक थिन लेयर बनी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलके एक थिन लेयर बनी है, और इस थिन लेयर को आप बोलते हो क्या, सॉयल। और ये सॉयल बहुत जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इसी सॉयल में सारा एग्रीकल्चर होता है, जो हम खाते हैं, ठीक है, हमारी फूड चेन ही इसी सॉयल से शुरू होती है। अब इसमें आप बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि भाई मछलियां हैं वहां से फूड चेन ही शुरू हो रही, पर फिर भी आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमारी जो फसलें हैं, जो वेजिटेरियन खाना हम लोग खाते हैं, वो सब कुछ आपका इसी सॉयल से शुरू हो रहा है। और जब इस सॉयल में आप ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को जोड़ देते हैं जो इस सॉयल की नेचुरल फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को कुछ इस तरीके से बदले कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, यानी अगर इस सॉइल में ऐसी कोई चीज जुड़ी जिसने उस सॉइल की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया, तो इसको आप बोलोगे सॉइल पॉल्यूशन। आज की डेट में सॉइल में बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स पाए जाते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं प्लांट्स में, ह्यूमंस में, साथ साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कैसे पाए जाते हैं, देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा की जाती है, और बिजली पैदा करने के बाद जो यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स होता है उसको अंडरग्राउंड डंप्स में छोड़ दिया जाता है, कभी कभी वहां से रेडिएशन लीक होकर सॉयल में पहुंच जाता है। फिर कई बार होती है कि भाई जब यूरेनियम की या फिर न्यूक्लियर फ्यूल की माइनिंग होती है, तो उस माइनिंग के दौरान बहुत सारा लीकेज होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास का सॉयल रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी सॉइल में आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है कि पॉल्यूशन में जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब हो रही है, सॉइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक मिनरल कंटेंट होता है, वो सब कुछ बिगड़ जाता है, जिसके बिगड़ने की वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म उस सॉइल में रह रहे हैं ना, उनको भी काफी नुकसान पहुंचता है। कुछ और कॉसेस देखा जाए हम लोग अगर सॉइल के पॉल्यूशन के लिए, तो देखिए बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स आज की डेट में सॉइल में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव वाला कंपोनेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट, जो रेडियो एक्टिव सॉइल है वो किस वजह से हो रहा है, एक तो माइनिंग की वजह से हो रहा है, और खासकर एक जो फ्यूल डंप किया जाता है, जो फ्यूल डंप होता है यूज होने के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है सॉइल में। तो रेडियो एक्टिव के दो कारण आपने देखा। फिर बहुत सारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोज किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, हमारे घरों से गंदगी इकट्ठी की जाती है, इंडस्ट्रीज से गंदगी इकट्ठी की जाती है, ये वो गंदगी है जो अकाउंटेड है, जिसको हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और उसे गंदगी को डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंकते हैं, लेकिन जिस डंपिंग ग्राउंड में जाके फेंकते हैं वहां पे भी सॉइल अवेलेबल है, तो बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जब डिस्पोज होता है एक जगह पे, तो सॉइल का पॉल्यूशन होता है। समझ गए, अगर आप वेस्ट डिस्पोजल को ऑर्गेनाइज तरीके से किसी एक पर्टिकुलर जगह में कर रहे हैं तो सॉइल पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन अगर एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप वेस्ट का डिस्पोजल कहीं भी कर रहे हैं तो सॉइल पॉल्यूशन एक वाइडर स्केल पे हो सकता है। फिर डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन मिलके आपका सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। अब ये डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन का क्या कंसेप्ट है, देखिए फ्रेंड्स, एक पेड़ है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ की जो रूट्स होती है ना, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और जब वो उस सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो होता ये है कि जो पानी का फ्लो है, जब वो रूट्स उस सॉइल को बाइंड करके रखेंगी, तो जो पानी का परकोलेशन होगा वो अच्छा होगा, और ग्राउंड वाटर
में पानी ज्यादा पहुंचेगा, ग्राउंड वाटर रिजर्व हमारे मेंटेन रहेंगे। तो पहली बात, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो सॉइल की बाइंडिंग है वो टूट जाती है, ग्राउंड वाटर का परकोलेशन कम हो जाता है, जो सरफेस पे जो पानी है, जो रेन के थ्रू पानी आया वो ग्राउंड वाटर में पहुंचता नहीं है। दूसरी बात, एक बार जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल इरोजन का प्रोसेस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? कि अब पेड़ों की रूट्स नहीं है उस सॉइल को एक जगह के पकड़ के रखने के लिए। पहले पेड़ थे और पेड़ों की जो रूट्स थी उन्होंने सॉइल को एक जगह पे पकड़ के रख रखा था, लेकिन अब जब नहीं पकड़ के रख रखा है तो बहुत सारा सॉइल इरोजन हो रहा है, इसलिए वो जगह जो पहले उपजाऊ हुआ करती थी, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ करती थी, अब वो प्रोडक्टिव नहीं रही है। ये भी एक तरीके का सॉइल पॉल्यूशन है। तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत मेजर एलिमेंट है सॉइल पॉल्यूशन में, क्योंकि सॉइल इरोजन यहाँ बहुत तेजी से बढ़ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आज की डेट में अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए आज की डेट में अगर आप अर्बन एरियाज में जाएं तो एक तरीके की वो हीट आइलैंड बने हुए हैं। कैसे? बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता है अर्बन एरियाज में, बिल्डिंग बनाने के लिए, नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, लोगों के घर बनाने के लिए, एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग आके रहने लगते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। और जब ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन होता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करते थे एक समय पे, जो फॉरेस्ट लैंड हुआ करते थे एक समय पे, उनको काट के अर्बन हीट आइलैंड में बदल दिया गया, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन काफी हद तक हो रहा है, क्योंकि सॉइल वहां है ही नहीं, सॉइल को उखाड़ फेंका गया, वहां पे बिल्डिंगें बना दी गई, तो एग्रीकल्चरल लैंड को हटा दिया गया, तो वो भी एक तरीके का आपका सॉइल पॉल्यूशन। और अर्बनाइजेशन के चलते देखिए जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, और जब वो आसपास के एरिया में जो सॉइल अवेलेबल उससे जाके मिल जाते हैं तो वहां के सॉइल को भी पोल्यूट कर देते हैं। आपको पता है कि अर्बनाइजेशन में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अर्बनाइजेशन में जब कंस्ट्रक्शन होगा तो प्रॉब्लम होगी, उसके बाद जो लोग रह रहे हैं वो गंदगी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रीज आएंगे, इंडस्ट्रीज अपने वेस्ट मटेरियल्स को डिस्कार्ड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जो सॉइल पॉल्यूशन है वो इन सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। तो अर्बनाइजेशन आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल पॉल्यूशन करने के लिए। अब अलग अलग इंडस्ट्री वाइज अगर सॉइल पॉल्यूशन के इंडस्ट्रियल वेस्ट को देखा जाए तो अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को देखोगे, इंडस्ट्रीज जो गंदगी निकालती है, तो इंडस्ट्रीज की गंदगी में मरकरी आ जाता है फ्रेंड्स, कॉपर आ जाता है, लेड आ जाता है, जिंक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, इनमें से कईयों की क्या बीमारी होती है ये भी मैंने बता रखा है, थियोसाइनेट्स आ जाते हैं, एसिड्स, एल्कलीज, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये इंडस्ट्रीज एमिट करती हैं, जो अल्टीमेटली या तो पानी में पहुंचेंगे या सॉयल में मिलेंगे। तो पानी में पहुंचेंगे तो वाटर पॉल्यूशन करेंगे और सॉयल में मिल जाएंगे तो सॉयल पॉल्यूशन करेंगे। फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में जब आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, तो जब आप पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हो आज की डेट में तो आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करोगे, फंगीसाइड्स, रोडेंटीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, फंगीसाइड जो फंगस को मारते हैं, रोडेंटिसाइड जो रोडेंट्स चूहो वगैरह को मारते हैं, एल्गीसाइड जो एलजी को मारते हैं, वीडीसाइड जो वीड्स को मारते हैं। अब जब इस तरीके की चीजें आप जोड़ते हो तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और सॉइल का पॉल्यूशन करते हैं। फिर मान लीजिए कि आप मैन्योर खाद भी डाल रहे हो, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हो, तो जब आप फर्टिलाइजर को मिलाते हो, देखिए मैंने आपको बताया, देखिए फ्रेंड्स फर्टिलाइजर तीन ब्रॉड तरीके के हैं, एक यूरिया है, म्यूरेट ऑफ पोटैश है, डायमोनियम फॉस्फेट है, ये तीन है। लेकिन इंडिया में यूरिया को बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यूरिया को बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल किया गया है इसलिए एनपीके बैलेंस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो बैलेंस होता है सॉइल में वो बहुत जगह पे बिगड़ गया है, डिस्टर्ब हो गया है, जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसने सॉइल के स्ट्रक्चर को बिगाड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसमें सॉल्ट कंटेंट का बैलेंस बिगड़ गया है, और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं। जैसे एक पॉल्यूशन है नाइट्रेट पॉल्यूशन, और वही नाइट्रेट लीचिंग के जरिए ग्राउंड वाटर में पहुंच के बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो फर्टिलाइजर्स के गलत इस्तेमाल की वजह से, गलत प्रयोग की वजह से भी बहुत सारा सॉइल पॉल्यूशन हुआ है। फिर बहुत सारे डिस्कार्डेड मटेरियल्स को हम लोग भी फेंकते हैं, जैसे कि आप बाजार में जाओगे, थम्सअप पियोगे, थम्सअप की कैन को डिस्पोज कर दोगे, फेंक दोगे साइड में, तो वो तरीके का पॉल्यूशन है। उसी तरीके से लेदर इंडस्ट्री बहुत सारा लेदर डिस्पोज करती है, बहुत सारे प्लास्टिक्स डिस्पोज होते हैं, वो प्लास्टिक्स आपके डेली यूज से भी डिस्पोज होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी उनको डिस्पोज करती हैं। फिर जो स्लॉटरिंग हाउसेस होते हैं जहां पे एनिमल्स को काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उनको
आप किसी भी वजह से स्लॉटर कर सकते हो। हो सकता है कि आप फूड इंडस्ट्री की वजह से उनको स्लॉटर कर रहे हो सकता है कि आप लेदर इंडस्ट्री की वजह से उनको स्लॉटर कर रहे हो। तो स्लॉटर करने के बाद जो उनकी खाले होती, जो उनके कैरकैसेस होते हैं, काम की चीज तो आपने निकाल ली उसकी खाल, उसके बाद जो बचा हुआ वो ऑर्गेनिज्म जिसको आपने मार दिया, उसके कैरकैसेस को आप डिस्पोज कर देते हो, वो भी बहुत सारा पॉल्यूशन करता है सॉइल में। रेडियो एक्टिव वेस्ट तो मैंने बता ही दिए, जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन और माइनिंग की वजह से होते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताया। फिर देखिए फ्रेंड्स, जो एसिड रेन है आज की डेट में, एसिड रेन को मैं कभी अलग से बताऊंगा, एसिड रेन के चलते भी बहुत सारा पॉल्यूशन सोयल में पहुंचता है। देखिए जब एसिड रेन होती है तो ऑब्वियसली बात है वो रेन गिरेगी कहां, जमीन पे गिरेगी, और जमीन पे सोयल है तो सोयल को अफेक्ट करेगी। साथ साथ वाटर पॉल्यूशन और सोयल पॉल्यूशन एक दूसरे के साथ बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। जो वाटर पॉल्यूटेंट्स है वो सोयल में पहुंच सकते हैं, जो सॉइल पॉल्यूटेंट्स है वो वाटर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो रिवर्स है वो बह तो जमीन पे ही रही है ना, तो सॉइल के साथ उनका कांस्टेंट इंटरेक्शन है। तो वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन एक दूसरे में जगह बदलते रहते हैं। सॉइल पॉल्यूटेंट्स वाटर में भी पहुंच सकते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स सॉइल में भी पहुंच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर मैं सॉइल पॉल्यूशन के टाइप्स बताऊं तो तीन चार चीजें बहुत तेजी से उठ के सामने आती है। एक सॉइल पॉल्यूशन वो है जो एग्रीकल्चर की वजह से होता है, एक सॉइल वो है जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस की वजह से होता है, एक सॉइल पॉल्यूशन वो है जो सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। अब ये सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्रीज भी एमिट कर सकती हैं और जो नॉर्मल हाउस होल्ड हैं वो भी एमिट कर सकते हैं। और फिर एक सॉइल पॉल्यूशन है जो अर्बनाइजेशन, अर्बन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आज की डेट में सॉइल पॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसके इफेक्ट्स बहुत खतरनाक है। एग्रीकल्चर की वजह से जब सॉइल पॉल्यूशन होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा फ्रेंड्स। तो नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरमेंट में नॉन रिएक्टिव फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसको एक रिएक्टिव, एक एलिमेंट के फॉर्म में सॉइल में लेके आना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। बट अगर सॉइल का बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस मुश्किल कर देता है। तो सॉइल पॉल्यूशन आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर करता है, हमारी नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल को ब्रेक करने की ताकत रखता है। फिर इरोजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। डिफॉरेस्टेशन और इरोजन, सॉइल इरोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉप यील्ड कम होगी। क्रॉप यील्ड क्यों कम होगी? चूंकि सॉइल क्वालिटी गिर गई है तो क्रॉप यील्ड तो कम होनी है। सॉल्ट में जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी बढ़ेगी, सॉइल की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसकी यील्ड कम होगी। जो भी प्लांट उगाए जा रहे हैं सॉइल में उसकी यील्ड कम होगी। प्लस टैंक्स और रिजर्वायर, देखिए फ्रेंड्स, जो आपके डैम्स बनते हैं, जो बड़े बड़े टैंक्स बनते हैं, रिजर्वायर बनते हैं, उनमें पानी भरा होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारा सॉइल इरोजन के चलते अगर इस पानी में पहुंचा तो पानी जब स्टैटिक होगा तो वो जो सॉइल है ना वो नीचे जाके जमा हो जाएगा इन टैंक्स में। और जब वो नीचे जाके टैंक्स में जमा हो जाएगा तो एक तो वो पानी की जगह घेरेगा, तो पानी की जो कैपेसिटी है उस टैंक में, इस डैम में, इस रिजर्वायर में, एक तो वो कम होगी। दूसरी बात, ये जो सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है ना वो इस टैंक के, डैम के, रिजर्वायर के स्ट्रक्चर पे प्रेशर डाल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है आपको रेगुलरली इस रिजर्वायर को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कोई लीक ना आ जाए या फिर इसकी जो स्टेबिलिटी हो उस पर फर्क ना पड़े। समझ गए आप बात को? फिर सॉइल पॉल्यूशन की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीचिंग के थ्रू नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, जिसको नाइट्रेट पॉल्यूशन बोलते हैं, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। इसी सॉइल में कैडमियम भी मिलता है, आर्सेनिक भी मिलता है, फ्लोराइड भी मिलता है, जो ग्राउंड वाटर में जाके पॉल्यूशन कर सकता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बीमारियां कर सकता है। फिर बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखिए बायोमैग्निफिकेशन को मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि हर चीज बताने में वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी होती चली जाती हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन की का प्रोसेस भी तेज हो जाता है सॉइल पॉल्यूशन में। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस को जाके देखें। फिर बहुत सारी पोल्यूटेंट गैसेस ये सॉइल रिलीज करता है, ठीक है ना। आप समझिए फ्रेंड्स कि सॉइल सिंक भी है और सोर्स भी है, बहुत सारी गैसेस का सिंक भी है ये सॉइल और बहुत सारी गैसेस को ये सॉइल एमिट भी करता है, ठीक है ना। तो एज आर कहते हैं पोल्यूटेंट गैस एमिटर की तरह भी काम करता है ये सॉइल। अब अगर ये बात की जाए कि ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं जिसको सॉइल एज अ सिंक भी हो सकता है और सोर्स भी हो सकता है, तो देखिए बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। एक तो हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए। फिर एक गैस हो गई आपकी मीथेन CH4, फिर एक गैस हो गई आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तीनों गैस को एज अ
सिंक सॉयल अपने पास भी रह सकता है और इनका सोर्स की तरह भी सॉयल कर सकता है, यानी सॉयल इन तीनों गैसेस को एमिट भी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो पॉलिटेंट गैसेस को एमिट भी करता है। ठीक है, उसके बाद काफी सारी चीजें देखिए मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स, फ्लोरा और फौना दोनों कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट खराब है तो प्लांट लाइफ अच्छे से डेवलप नहीं करेगी, और जब प्लांट लाइफ अच्छे से डेवलप नहीं करेगी तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो भी मरने लगेंगे, तो सब पे फर्क आएगा, पूरा एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा इस सॉयल पॉल्यूशन के चलते। अब सवाल आता है कि सॉयल पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो क्या किया जाए, तो देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसको तो बंद करिए पहली बात। फर्टिलाइजर्स का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो साइंटिफिक तरीके से करिए, कुछ भी मत डालते रहिए। बायो पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करिए, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करिए जो नेचुरल तरीके से चीजें करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ध्यान दीजिए, आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स, खासकर इस बात पे क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड से उगाए हुए क्रॉप्स हमारी सेहत के लिए खतरनाक होते हैं, तो चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रेडिशनल तरीके से चीजों को उगाया जाता है तो लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी हद तक हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि सॉयल पॉल्यूशन को भी कम करती है। और सारे पेड़ लगाइए, सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट ठीक से करिए, अर्बनाइजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन सॉयल में पहुंच रहा है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें ताकि कम से कम पॉल्यूशन सॉयल में पहुंचे। और साथ साथ 4R की टेक्निक चल रही है आज की डेट में। टेक्निक क्या है 4R, जिसमें एक है आपका रिफ्यूज, एक है आपका रिड्यूस, एक है आपका रीयूज और एक है आपका रिसाइकिल। ये क्या है फ्रेंड्स रिफ्यूज, तो देखिए रिफ्यूज में कहा जाता है कि भाई नई चीजों को आप मार्केट से कम खरीदें, जो चीजें आपके घर में हैं उनसे काम चलाएं। मान लीजिए बहुत सारी बाल्टियां हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं जो आपके घर में होते हैं, आपको लगता है कि हम कुछ और नई चीजें ले आए अपने घर को सजाने के लिए, लेकिन अगर आप उस टेम्पटेशन को छोड़ के जो घर में चीजें हैं सिर्फ उनसे ही अपने काम चलाने की कोशिश करें तो उससे सॉयल पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। फिर दूसरा है आपका बात करेंगे हम किसकी, रिड्यूस की। रिड्यूस में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारी अननेसेसरी वेस्ट होता है, ठीक है, तो अननेसेसरी वेस्ट को किस तरीके से कम किया जाता है एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप शॉपिंग मॉल गए और शॉपिंग मॉल में आप पहुंचे और आपके पास वहां पे शॉपिंग बैग है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, वहां पे पॉलिथिन खरीद के उस पॉलिथिन में चीजों को ले आओगे। अगर आप पहले से ही अपना शॉपिंग बैग लेके जा रहे हो जो आपके पास घर में है और उससे अपने सामान को भर के वापस लेके आ रहे हो तो वहां पे आपको एक नए शॉपिंग बैग को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो प्लास्टिक का कंजम्पशन है वो कम होगा, समझ गए। इसी रिड्यूस से मैं एसोसिएट करूंगा रिसाइकिल को। रिसाइकिल में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए आप प्लास्टिक की चीजों को इस्तेमाल ही ना करो, आप उन बैग्स को इस्तेमाल करो जैसे जो जूट से बने हो, जो कपड़े से बने हो, जो कि ऑर्गेनिक है, जिनको ब्रेक ओवर किया जा सकता है, और इन्हीं जूट के बैग्स को, इन्हीं क्लॉथ के बैग्स को आप बार बार इस्तेमाल करो, तो इससे आप एक तरीके से रिसाइकिल कर रहे हो, समझ रहे हो ना बात। आप प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हो क्योंकि प्लास्टिक को जल्दी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्लॉथ्स को, जूट को जल्दी रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लस जो वेस्ट है आपके घर के बाहर कूड़ा वाला आता होगा, तो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ये वाला कंसेप्ट है वेट और ड्राई, तो उस तरीके से आप अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करिए प्रॉपर, चूंकि अगर आप सेग्रीगेट करके वेस्ट को डिस्पोज करेंगे ना तो उसको फाइनल डिस्पोजिशन काफी आसान होगा उसका। और फिर रीयूज की बात करें तो रीयूज मतलब जो चीजें आपने घर में पहले इस्तेमाल करी उनको सीधे सीधे डिस्पोज ना करें, उनको किसी ना किसी चीज में दोबारा इस्तेमाल कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे कोई बॉटल लेके आए हैं, कोई कैन लेके आए हैं पेप्सी की, और उस पेप्सी की कैन को पीने के बाद उसको सीधे सीधे फेंके मत, उसको थोड़ा बहुत सजा के, पेंट करके, उसके चारों तरफ कपड़ा बांध के उसको एक पेंसिल स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर लें, या किसी और चीज को रखने के लिए इस्तेमाल कर लें, कॉइंस रखने के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ये 4 स्ट्रेटजी है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिससे हम सॉयल पॉल्यूशन और बहुत अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और अपने एनवायरमेंट में एक सस्टेनेबल कंजम्पशन वाले प्रोसेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई फ्रेंड्स, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन क्या है आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बहुत ज्यादा नोट्स नहीं रखे हैं, मैं सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से यहां काम कर रहा हूं, और मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़े, चीजों को समझें, क्योंकि जब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी ना तो उनको याद करना और रिप्रोड्यूस करना काफी आसान हो जाएगा। तो मेरी सारी वीडियोस का एक ही टॉपिक, एक ही एम रहता है कि आपको समझा ज्यादा अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।